एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जो ITU प्यारेलाल भवन के अंदर समता सैनिक दल द्वारा आज संविधान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया और आज चीफ गेस्ट के रूम में रहे हमारे डॉक्टर राजपाल सिंह जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज संविधान दिवस क्यों मनाया गया और इसका मुख्य कारण क्या रहा। सर, आज का जो ये दिन है जो 26 नवंबर है, संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है, आज के दिन 26 नवंबर 1949 को जी, आज के ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमारे देश का संविधान लिखा था 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार किया, और आज के दिन भारत सरकार को कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति, और नेहरू जी और हमारे सरदार पटेल जी को बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान सौंपा था, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 से, रिपब्लिक बना हमारा कंट्री। तो ये इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, न्याय की बात लिखी, 295 आर्टिकल्स लिखे, और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने सिंगल हैंडेडली तैयार करके दिया, और इसमें सारे लोगों को समान रूप से अधिकार दिए, अनटचेबिलिटी को खात्मा किया, और दलितों के लिए रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों में रिजर्वेशन इस संविधान में रखा गया था जिसका अनलिमिटेड पीरियड था, और इस संविधान में राजनीति में रिजर्वेशन 10 साल को रखा गया था, जो 10 साल के लिए बढ़ता है, हर बार आपने देखा होगा 10 साल के बाद उसको ये एक्सटेंड करते हैं, तो इस दिन का बहुत बड़ा है, क्योंकि उससे पहले यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था हमारे देश में, 2500-3000 साल से सब ऐसे ही चल रही था, भेड़ चाल चल रही था, जो राजा पैदा हो गया वही अपना सिस्टम चलाता था, 800 साल यहाँ मुगल रहे, और उन्होंने भी दलितों के बारे में, गरीबों के बारे में, वंचितों के बारे में, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा इस देश का, मानी 800 साल तक भी कोई ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं किया, दलित शोषित वंचित लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा, देश में कुछ इम्प्रूवमेंट किया लेकिन उनके लिए कुछ नहीं सोचा। बाबा साहब अम्बेडकर जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो बाबा जब संविधान लिख दिया और 26 संविधान इम्प्लीमेंट हो गया, तो बाबा साहब ने कहा देखो भाई, अब देश का राजा रानी के पेट से नहीं पैदा, देश का राजा मतपेटी से पैदा, बैलेट पेपर से मतपेटी से निकलेगा, राजा रानी के पेट से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने पूरे देश की रानियों के पेट का ऑपरेशन संविधान लिख के कर दिया, तो सारे राजा पेट वाले निकाल दिए, क्योंकि साइंटिफिक रिलीजन है, जो त्रिशरण, पंचशील, 8 पारमिता, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं, 24 हो, धर्मचक्र परिवर्तन, अशोक का चक्र है धर्मचक्र परिवर्तन, जो झंडे के बीच में वो 24 स्पोक्स हैं, 24 तीलियाँ हैं, वो रखा गया, और बहुत सारी चीज़ें रखी गई, तो संविधान बहुत अच्छा लिखा, जिससे कि सबको समान अधिकार मिले इस देश में, और अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार प्राप्त हुआ, अच्छा खाना खाने का, अच्छा मकान रखने का, अच्छा गाड़ी रखने का, सोच भी नहीं सकते थे, बाबा साहब जैसी शख्सियत अगर इस देश में पैदा नहीं हुई होती तो हम लोग दलित लोग। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें आपने इतनी बताएं, और सर डॉक्टर साहब, इस तरीके ऐसी हॉलों के अंदर या इतने बड़े राजधानी के अंदर ऐसे प्रोग्राम करने से या गांव देहात में न जाने से क्या समाज का उद्धार हो सकता है? समाज का उद्धार खाली शहरों से या हॉलों से नहीं हो सकता, समाज का उद्धार होगा जब हम अपनी टोटल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करेंगे इस कार्यक्रम में, उनको समझाएंगे, उनको संविधान की महत्ता बताएंगे, वो समझ पाएंगे, वो अपना फिर अधिकार प्राप्त कर पाएंगे, संवैधानिक अधिकार जब उन्हें भी प्राप्त होंगे तब हमारे समाज का उद्धार होगा। ऐसे सर, वो देहात के अंदर जब जाते निकल रहे हैं सर, गांव देहात के अंदर जब लोग जाते हैं, तो सर उन वाले लोग हैं और शहर में रहने वाले लोग हैं, जो अपर, जिसको अपर अफसर कह लें या अपर अधिकारी कह लें, सर गांव के लोगों में से बदबू आती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत चीज़ है, संवैधानिक अधिकार सबको बराबर के, और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें गांव वाले लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए प्रोग्रामों में, उनको भी बताना चाहिए और गाँव के बीच बीच में जाना चाहिए।